ब्लास्टोसिस्ट ये एक ऐसा शब्द है जो पेशेंट्स चाहते हैं, हर पेशेंट ये चाहता है कि उनके अंदर एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हो. तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट डे 5 एम्ब्रियो होता है, मींस वो मैक्सिमम सबसे बड़ा एम्ब्रियो होता है जो एक लैब में हम रख सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं. उसके आगे कोई भी एम्ब्रियो का स्टेज नहीं होता है जो हम लैब में रख सकते हैं. तो ब्लास्टोसिस्ट बनना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. अगर ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड ए बन जाता है तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये नहीं होता है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट ग्रेड ए बन गया तो श्योर शॉट प्रेगनेंसी आएगी, ये भी नहीं होता है. तो ब्लास्टोसिस्ट बनना अच्छी बात है, पर ये नहीं है कि अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कुछ भी नहीं है. प्रेगनेंसी डे 2 के एम्ब्रोज में भी आती है, डे 3 के एम्ब्रोज में भी आती है, पर ब्लास्टोसिस्ट में भी आती है. पर हमारी यही कोशिश होती है कि हर पेशेंट की हम ब्लास्टोसिस्ट बनाएं, बिकॉज हमें भी सेटिस्फैक्शन होता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमने बनाया था, ये जो एम्ब्रोज हमने पेशेंट के अंदर डाले थे, वो वाकई में अच्छे एम्ब्रोज थे. बिकॉज अगर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो फिर हमें और कॉजेज हंट करने पड़ते हैं कि हम पेशेंट को किस तरह से प्रेग्नेंट कर सकते हैं. सो ब्लास्टोसिस्ट इज अ बेस्ट ट्रांसफर. और बेटर यही होता है कि हम फ्रोजन ट्रांसफर करें, मीन्स नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर करें, डे 2 के एम्ब्रोज फ्रीज करें, उनको फिर थॉ करके कल्चर करके हम ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो करें और फिर पेशेंट के अंदर डालें. क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि फ्रीजिंग का उन एम्ब्रोज पे क्या इफेक्ट था, ग्रेडिंग का क्या इफेक्ट है. हर चीज देख के ही अंदर एम्ब्रोज डालने से अच्छे होते हैं, एंड ब्लास्टोसिस्ट वन ऑफ द बेस्ट एम्ब्रोज.